है, तो सरकार ने फिर से वही कोरोना का बहाना उठा दिया है। क्या वो कोरोना सिर्फ स्कूलों में है? हमारे आने वाली पीढ़ी को कमजोर करने के लिए सिर्फ स्कूलों पर इन्होंने पाबंदी लगाई है। भाई स्कूल बंद करो, क्यों बंद करो? जब ये पहले तो ये बोल रहे हैं भाई मास्क लगाओ, जब मास्क है तो फिर 2 गज की दूरी क्यों, और 2 गज की दूरी है तो फिर ये कर्फ्यू क्यों? क्या बहाना बना रही है सरकार? आज तक खुद सरकार को ये समझ में नहीं आ रहा वो कर क्या रही है। भाई या तो लॉकडाउन ही लगाए या फिर ये जो उन्होंने। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। किसान आंदोलन से जुड़ी तमाम तस्वीरें लगातार आप सभी के सामने लेकर के आने लगे। भाई खटखट टोल प्लाजा के ऊपर हमारी टीम पहुंच रही है और 13 अप्रैल 1919 का जो दिन है, अपना जो पूरा देश है भाई काला दिन के रूप में मना हुआ है, क्योंकि आज के दिन जनरल डायर ने भाई जलियांवाला बाग हत्याकांड, आप सभी को पता है कि जलियांवाला बाग के अंदर हमारे जो देश के क्रांतिकारी वहां पर जो इकट्ठे हो रहे थे, भाई जनरल डायर ने यानी कि निर्दयी जनरल डायर ने गोलियों के साथ उनको भून दिया था। तो भाई खटखट टोल प्लाजा के ऊपर आज किसाना ने उस शहीद दिवस को उन क्रांतिकारियों को याद करते हुए आज पेड़ पौधे यहाँ पर पौधे लगाए हैं। तो कविता सरपंच जो खरकराम जी गांव की सरपंच है, और प्रियंका आप जानते हैं मैया टोल प्लाजा के ऊपर जो हमने इंटरव्यू लिया था, काफ़ी अच्छी वीडियो वायरल हुई। सबसे पहले तो आप दोनों को राम राम जी। राम राम भाई। राम राम भाई। क्या कहना चाहेंगे आज जो शहीदी दिवस मनाया गया है जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को, जब भी पूरा देश याद करता है तो काफ़ी मन दुखी होता है। भाई ये दुखी होने वाली बात है, क्योंकि उस टाइम जनरल डायर ने जो किया था वो बहुत गलत किया था। मतलब इतनी वहाँ जनसंख्या थी और एक ही दरवाजा था, उसको बंद करके उसने जो गोलियां चलवाई थी, लोगों को मारने का काम जो उसने किया था, मतलब हम अपने देसी भाषा में बोला करें भाई ईसाई से पाप का भुगतान करेगा कड़े, उसने भुगतान नहीं करा। लेकिन आज जो अभी स्थिति है हमारी वैसी ही स्थिति है अभी, बस फर्क इतना है हमारी सरकार गोलियां नहीं चलवा रही, फर्क बस इतना है। लेकिन कंडीशन हमारी वही है, हम कल भी गुलाम थे आज भी गुलाम है, और उन शहीदों को हम आज इसलिए श्रद्धांजलि दे रहे हैं भाई उनकी प्रेरणा से आज हम इस धरने पे बैठे हैं अपने आप को आजाद करवाने के लिए। जो 1919 का जो कांड हुआ था वो दोबारा हम दुर्वाना नहीं चाहते सरकार से, हम चाहते हैं शांति से भाईचारे से जो भी है हमारा निमट जाए और हम सुख शांति से अपने घर चले जावा। शांति का दान वो सरकार भी दे और हम भी दे, और जो हमारे 1919 में शहीद हुए थे भाई उनको नमन है, श्रद्धांजलि हमारी तरफ से। और हम चाहते हैं भी भगवान उनकी आत्मा को शांति बनाए रखे, और आगे आने वाले समय में वो एक ऐसा उदाहरण पेश हो रहे हैं हमारे लिए भाई, उनको देखकर हमें ये समझ में आता है भाई हमने ऐसा कोई काला दिवस दोबारा नहीं बनने देना है, चाहे उसमें सरकार की चाल हो चाहे किसी और व्यक्ति की चाल हो, उसको सफल नहीं होने देना है। बिल्कुल, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह अंग्रेज निर्दयी हुए थे 300 किसानों की शहादत तो हमारे भी यहाँ पहुँच चुकी है, और जो हिसार में और जो रोहतक में जिसने ये दोबारा यही कांड तो करवाया, जलियांवाला बाग एक गोली नहीं चलवाई, लाठी डंडे तो चलवाए 70-70 साल के बुजुर्ग पे, तो दौर तो वही लाना चाहती है सरकार। तो मैं बता देना चाहती हूँ आज भी मेरे वही ऊधम सिंह जैसे भाई जी ने छाती में फैर मार कर नरेक लोहा कर दिया था ना, नुए कर देवांगे। बिल्कुल, कल 14 अप्रैल है और संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से एक आदेश दिया गया सभी किसानों को कि गठबंधन सरकार की तरफ से डिप्टी दुष्यंत चौटाला, डिप्टी सीएम जो दुष्यंत चौटाला, उनके प्रोग्राम को जहां भी प्रोग्राम किया जाएगा उनका विरोध किया जाएगा, और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर तो कल बड़ोली में पहुंचने वाले हैं। एक आवेदन किया गया, एक निवेदन किया गया है कि विरोध किया जाएगा, आप क्या कहना चाहेंगे उसके विरोध को लेकर के कल? भाई मैं तो यही कहना चाहती हूँ जो हमारे मतलब संविधान निर्माता है वो हमारे लिए पूजनीय है, क्योंकि उन्होंने हमें एक नई दिशा दी थी, और फिर उसको मतलब सरकार बौखलाने का कार्य जो हमारे बीच से करवाना चाह रही है ना, वो हम नहीं होने देंगे, क्योंकि हमने सरकार को खुले शब्दों में ये बोल दिया है भाई हमारे भाईचारे को खराब मत करो। संविधान निर्माता वो हमारे सबके थे, अकेला ये नहीं था भाई, वो हमारे जो चमार जाति है उससे संबंध रखते थे, वो सबके सिर के व्यक्ति थे। जो अपना हरियाणा में कहा भाई यूँ तो सिर का मानस है, वे सबके सिर के थे, और ऐसा कुछ काम नहीं होगा जैसा सरकार चाहती है, क्योंकि हम अपने भाइयों को समझा रहे हैं, उन्हें अपने टोलों पर या अपने धरणों पर बुला रहे हैं, और ये बता रहे हैं भाई आपकी इज्जत आज भी हम उतनी ही करते हैं जितनी अपने संविधान निर्माता अंबेडकर जी की करते थे। तो अपने भाईचारे को बनाए रखो, सरकार के बहकावे में मत आओ, और अपनी एकता को दिखाकर सरकार को झुकाने का कार्य करो, कोई दंगा फसाद मत होने देना, अपनी नीति से कूटनीति से इस भाईचारे को बनाए रखो। सरकार की कोई ऐसी नीति कामयाब नहीं होगी, क्योंकि सीएम साहब ने पहले ही ये बता दिया भाई मैं अपना दौरा रद्द कर रहा हूँ कोरोना की आड़ लेके। उन्हें पता है भाई किसान बख्शेंगे नहीं, लेकिन बख्शेंगे नहीं तो फिर उन्होंने कोरोना का बहाना बना लिया, और इसीलिए 2 दिन पहले उन्होंने नाइट कर्फ्यू स्टार्ट किया है।
नाइट कर्फ्यू स्टार्ट करने का मेन मकसद ही यही है, ताकि वो अपने दौरे को रद्द कर सकें और लोगों को ये बहाना दे सकें भाई मैं कोरोना की वजह से नहीं आ रहा। बिल्कुल, लेकिन सरकार तो नाइट कर्फ्यू कह रही है, बार बार कोरोना कह रही है कि कोरोना की वजह से, क्योंकि लगातार जो कोरोना के केस है वो देश में बढ़ते ही जाने लग रहे, क्या इसमें भी आपको बीजेपी की चाल नजर आ रही है कोरोना को लेकर? बिल्कुल नजर आ रही है, क्योंकि देखिए जहाँ रैलियां हैं, इलेक्शन है, वहाँ कोरोना कहाँ जाती है? पिछले 5 महीने से कोई कोरोना नहीं थी, अभी जब सरकार को ये लग रहा है आंदोलन तेज हो गया और अपने अंतिम चरम पर है, तो सरकार ने फिर से वही कोरोना का बहाना उठा दिया है। क्या वो कोरोना सिर्फ स्कूलों में है? हमारे आने वाली पीढ़ी को कमजोर करने के लिए सिर्फ स्कूलों पर इन्होंने पाबंदी लगाई है, भाई स्कूल बंद करो। क्यों बंद करो? जब ये पहले तो ये बोल रहे हैं भाई मास्क लगाओ, जब मास्क है तो फिर 2 गज की दूरी क्यों, और 2 गज की दूरी है तो फिर ये कर्फ्यू क्यों? क्या बहाना बना रही है सरकार? आज तक खुद सरकार को ये समझ में नहीं आ रहा वो कर क्या रही है भाई। या तो लॉकडाउन ही लगाए, या फिर ये जो उन्होंने हिदायत बताई है भाई मास्क लगाओ, 2 गज की दूरी रखो, सैनिटाइजर रखो, ये रखो वो रखो, जब हम सारी चीजें प्रयोग कर रहे हैं तो उसके बाद भी कर्फ्यू क्यों लगा रही है? ये क्या समझ में नहीं आ रहा लोगों को? समझ में आ रहा है सीधी बातों में भाई, सरकार लोगों को बुखलवाना चाहती है और कोरोना की आड़ में इस आंदोलन को खत्म करना चाहती है, ताकि कोरोना का के डर से लोग अपने अपने घरों में चले जाएं और सरकार की जीत हो। लेकिन सरकार को मैं ये बताना चाहती हूँ, उसकी जीत नहीं होगी, हम कोरोना से नहीं डरते, कोरोना है ही नहीं। अगर कोरोना होती तो वो वैक्सीन भारत की बजाय दूसरे देशों में क्यों सप्लाई कर रहा है? जब इतनी तादाद यहाँ बीमारी की है कोरोना की, तो वैक्सीन दूसरों के पास क्यों सप्लाई कर रहा है? अपने देश में यूज करो उसको। और कई बार तो मतलब एक दो उदाहरण तो मैं ऐसे बताती हूँ, मरीज तो कोरोना के और रेबीज के इंजेक्शन लगवाए जा रहे हैं, कैसा कैसा स्टाफ भर्ती कर रखा है उसने, मतलब ये तो देखो आप चल क्या रहा है। सरकार खुद बैलेंस नहीं बना रही है कोरोना में और अपने कार्यों में, ये इनबैलेंस होना सरकार के लिए सबसे बड़ी हार है। बिल्कुल ठीक है, क्या कहना चाहेंगे आप स्कूलों को लेकर के, क्योंकि ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं जो स्कूल संचालक है, वो SDM से मिल रहे हैं, DC को ज्ञापन दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि रैलियां हो रही हैं, IPL मैच होने लग रहे हैं और लगातार स्कूलों के ऊपर पाबंदियां लगाई जा रही है, पहली से लेकर के 8वीं तक पूरे हरियाणा के अंदर जो स्कूल है वो बंद कर दिए गए हैं। जी बंद कर दिए गए। मैं तो यही कहना चाहूँगी, जो जगह जगह बैठे हैं ना, कहीं टीचर बैठे हैं, कहीं LIC वाले बैठे हैं, कहीं भी ये रेलवे वाले बैठे हैं, तो सारे भाई यहाँ किसानों के साथ आकर मिल जाओ, तुम्हारी हिफाजत को तुमको न्याय भी मिलेगा। अब यहाँ पर जो भी आ जाओगा ना इस आंदोलन का, ये आखिरी लड़ाई है हमारी, आप इसमें जो भी शामिल हो जाओगा ना, तो सब ना सब कुछ मिल जाओ। और ये है ना एक अपने EVM के दम पर कूद रहे हैं ये, वरना 4 महीने हो गए आज तक मांगे मान ली जाती। इन्हें पता है कि भाई 2024 तक बैठे रहे हैं, EVM उनके पास है, उन्होंने जो EVM है ना, ये मशीन तो ठीक आई थी, लेकिन इन्होंने ना एक इसके अंदर एक VVPAD लगा रखा है, और जो डिवाइस जोड़ रखा है ना उससे मशीनें हैक होती हैं। ये सरकार ने लगवाया, ये ऐसी गंदी सरकार है ना, ये इसने लगवाया ये, जिस तरह मशीनें हैक होंगी। और हमको पता, हम तो चाहे यहाँ पर 2024 तो क्या सारी जिंदगी बैठे रहे, हम तो हमारी वोट अपने हाथों में ले रहे हैं, ये तो जब भी ये दिखा देगा कि भाई हाँ वोट डाल रखी है सरकार मेरी, ऐसे ये 35 साल राज करने की सोच रहा है इस EVM मशीन से। तो मैं तो आपके इस मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहूँगी, भाई EVM पे जोर लगाओ, अपने कानूनों के साथ साथ EVM पे भी जोर लगाओ। EVM हटेगी तो देश बचेगा, वरना देश इन्हीं गद्दारों के हाथों में रहेगा। अभी करंट में आपने देखा हो, एक उसमें गाँव में सिर्फ 80 वोट थी, और लेकिन EVM मशीन में 160 दिखा रखी थी। तो सबसे बड़ा उदाहरण तो सरकार की नाकामयाबी का सबसे पहले यही है। अभी करंट का उदाहरण है ये, देखिए 80 वोट गांव में, कुल 80 वोट, और उसमें दिखा रखी उन्होंने 160, तो वो बाकी वोट कहां से लेके आए? ये स्पष्ट उदाहरण है EVM मशीन में गड़बड़ी का। तो जनता जागरूक हो जाओ, अब की बार EVM का साथ में विरोध करना है, हमने EVM में मतदान डालना ही नहीं है। और इन्हें शो करना ज्यादा EVM का, अपनी जो पर्सनल गाड़ी है इन्हें शो करना EVM को, तो आने दो आगे वाले टाइम में इनकी EVM इनके जोड़े में गलवा इस देश का बाहर भगावेंगे इन्हें। चलिए लास्ट में क्या अपील और ग्राउंड मीडिया के माध्यम से मोदी सरकार तक क्या संदेश पहुंचाना चाहिए? मैं यही संदेश पहुंचाना चाहती हूँ मोदी सरकार तक, भाई देखिए आप लोगों की मजबूरी को समझें, इन कानूनों को रद्द करें, और इसके साथ साथ जो कोरोना का बवंडर मचाया हुआ है इसको भी बंद करें, ताकि हमारे बच्चे पढ़ सकें, हमारी आगे आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रह सकें, अपने ज्ञान को बढ़ा सकें। इस कोरोना के चक्कर में इतने बच्चों की तो आंखें खराब हो गई हैं भाई, वो सारा दिन फोन में लगे रहते हैं, 4-4 नंबर के चश्मे चढ़ गए 5-5, 6-6 साल के बच्चों को। तो सरकार हमें आगे दिखा रही है भाई मैं किस तरह से तुम्हें कमजोर बना रहा हूँ, हमारी पीढ़ियों को बचाने के लिए। तो सबसे पहले मैं सरकार से ये निवेदन करना चाहती हूँ भाई,
इस कोरोना का बवंडर बंद कर दे और हमारे कानूनों को वापस लेके हमें जो उतने काला कर रखा ना उस सबको वापस करके हमें आजादी से जीने दे। जो असली आजादी है वो प्रदान करें हमें, तानाशाही शासन को खत्म कर दिया जाए। हम तो यही कहना चाहेंगे भी देश में जितने भी मान लो युवा बैठे हैं, बेटियां बैठी हैं, तो पढ़ने का तो इतना कोई मायना छोड़ा ही नहीं। क्यों 1057 स्कूल बंद कर दिए, गरीबा के छोटे छोटे बच्चे वो क्या करेंगे? और 2 साल तक इन छोटे छोटे बच्चा ने भी घर पर बिठा रखे है जो सब कुछ भूल चुके अपना। तो मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि पढ़ाई लिखाई ने छोड़ कर ना एक बार याद आओ। पढ़ाई लिखाई का तो इस सरकार ने कोई मायना नहीं छोड़ा, कितना ही पढ़ लिख लियो PhD करे करे हंडन लाग रहे हैं भाई। तो किसान आंदोलन में आओ और अपनी सादत दिखाओ और इस आंदोलन की आवाज़ ऊपर तक पहुँचाओ। चल भाई, वीडियो आपने देख लिए, आप कमेंट बॉक्स में आपने अपनी राय रखनी है किसान आंदोलन को लेकर के, क्या विचार थे खरकराम जी गांव की जो सरपंच कविता गोयत और जो प्रियंका है, तो आपने वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में राय रख करके चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है ग्राउंड मीडिया के लिए। खटखट टोल प्लाजा से अपने कैमरामैन सहयोगी इंचार्ज के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।